नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुख्यालय में यातायात एवं परिवहन प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन। सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए मानसिक संतुलन को बताया जरूरी। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर शिक्षकों का स्नेह मिलन। स्कूली शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के समावेश की जरूरत। और मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर व्यापारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। व्यापार में सफलता के लिए विश्वास और ईमानदारी को बताया सबसे जरूरी। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यालय की खबर से। दिनों दिन सड़क दुर्घटनाओं में हो रहे इजाफे के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक देखे जाने वाले कारण हैं असंतुलन, ओवर स्पीड, ओवरटेक और नशे का सेवन। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं का मूल कारण है तनावयुक्त और असंतुलित मन। और अगर वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लानी है तो हमें राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से मन को शांत और संतुलित बनाना ही पड़ेगा। यही संदेश देने के लिए संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा मुख्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके उद्घाटन अवसर पर रेलवे पब्लिक सर्विस कमेटी के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र रत्न, UPSRTC के चेयरमैन श्री R.K. तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और सम्मेलन का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, सूचना निदेशक BK करुणा, प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा BK दिव्य प्रभा दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका BK कुंती, मुख्यालय संयोजक BK सुरेश की उपस्थिति में दीप जलाकर किया। मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेने आए लोगों के समक्ष अतिथियों ने अपने मूल्यवान और अनुभवी सुझाव रखे। काश हम अपने विद्यालयों में ये बताएं कि हर समय, हर देशकाल में, हर परिस्थिति में तेज चलना लाभकारी नहीं है। कभी कभी धीमे चलना भी अच्छा होता है। कभी कभी लोगों को साथ में लेके चलना भी अच्छा होता है। आध्यात्मिक शक्ति का क्षरण और मशीनों की शक्ति की वृद्धि, ये ऐसा असंतुलन पैदा करते हैं जो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने प्रतिदिन आती है। जब तक आपका मन का विचरण, मन की विकृति, मन की आकृति का संजोने का उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके पास नहीं होगी, तो इन तीनों गति, सुरक्षा, आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं होगा। घर की अशांति मन के विचलन को बढ़ाती है, और घर की अशांति जब मन के विचलन को बढ़ाती है तो अदालत और थाने की गति भी बढ़ जाती है, न्याय की पराकाष्ठा अन्याय में बदल जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ आकर के बहनों के स्वरूप को देखता हूँ और किचन में देखता हूँ, कार्यक्रम में देखता हूँ, मनोभाव के स्वरूप को देखता हूँ, बोलने की भाषा को देखता हूँ, चलने के तरीके को देखता हूँ, भाईचारे के व्यवहार के जीवन को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि असली आध्यात्मिकता स्वरूप तो यहाँ पैदा होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभाग की अध्यक्ष BK दिव्य प्रभा दीदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क दुर्घटना के प्रति सचेत करें। इसके अलावा संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK संतोष दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आध्यात्मिकता जो है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारे को सिर्फ गति के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सिखाता है परंतु हमारी प्रगति करता है। थोड़े से समय में वो युग आना है जहाँ एक्सीडेंट शब्द ही नहीं सुनने में आएगा, लेकिन उस युग में जाने के लिए हमें अपनी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी, वहाँ का वीजा तो लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित प्रभु प्राप्ति भवन में शिक्षकों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा, दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी BK आशा दीदी और अतिथियों ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन के पश्चात कुलपति जी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा मिस हो गई है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाए जा रहे आदर्शों को
उच्च शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। इसके बाद कलेक्टर जी ने ब्रह्मा कुमारी इसके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मन को शांत रखने, बहलाने और एकाग्र रखने का जो प्रशिक्षण ब्रह्मा कुमारी द्वारा दिया जा रहा है, उसकी आज वास्तव में बहुत जरूरत है। कार्यक्रम में आगे भी के आशा दीदी और राजयोग शिक्षिका बी के प्राची ने विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक की भूमिका विषय पर अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र पर व्यापारियों के लिए आयोजित स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में केएम ग्रुप के चेयरमैन अजय पाल सिंह ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। व्यापारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भोपाल की राजयोग शिक्षिका बी के किरण दीदी रही। उन्होंने व्यापार में जीवन पर्यंत सफलता पाने के लिए लोगों का विश्वास कमाने पर जोर दिया, तो वहीं बी के शैलजा दीदी ने ईमानदारी को व्यापार की नींव बताया। कार्यक्रम के अंतिम दौर में बच्चों के डांस ने सभी का मन मोहा, तो वहीं बी के छत्रसाल भाई ने मेरा जूता है जापानी गीत पर डांस करके सभी की तालियां बटोरी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय से संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM अपने प्रोग्राम द्वारा सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता तो फैलाता ही है, लेकिन आजकल स्कूली बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए आबू रोड के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। रेडियो मधुबन के कम्युनिटी रिपोर्ट रवि के पवित्र स्कूली बच्चों में राजयोग मेडिटेशन से होने वाले लाभों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। इसी सिलसिले में आबू रोड के अचपुरा, केवरली, चानर और सियावा के सरकारी स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पवित्र ने बच्चों को पहले हु एम आई पिक्चर दिखाई और उसके बाद स्वयं की वास्तविक पहचान, मानव जीवन का लक्ष्य, राजयोग मेडिटेशन के लाभ जैसे बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसमें छात्र और छात्राओं ने बड़ी ही दिलचस्पी लेते हुए कई स्वाभाविक सवाल पूछे। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल्स ने भी प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताया। अब कुछ खबरें एक नजर में। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा निशुल्क होम्योपैथिक शिविर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी और चिकित्सकों ने जांच के लिए पंप हाउस निवासियों का किया आह्वान। जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो पंप निवासी भाई बहने, तो आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत उमंग की बात है कि आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप निशुल्क यहाँ आकर के फ्री में डॉक्टरों से इलाज लीजिए। एक बात जरूर अपनाइए आप लोग जितने भी आज यहाँ पंप हाउस में हैं। अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी इसके प्रयासों को सराहा। योग से, बाबा के आदर्शों से, सिद्धांत से, बाबा के धारणा को आत्मसात करके खुद को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर बनाई जाए। कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान समारोह। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला दीदी ने शिक्षकों को बताया बच्चों का मूर्तिकार। 500 से अधिक लोगों की मौजूदगी में किया गया शिक्षकों का सम्मान। कोहिमा में बीके रूपा ने की मुख्यमंत्री जी के एडवाइजर डॉक्टर डी भल्ला जी से मुलाकात। ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही सामाजिक और आध्यात्मिक सेवाओं की जानकारी देते हुए संस्था के मुख्यालय भ्रमण के लिए किया आमंत्रित। मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र द्वारा LIC ऑफिस में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति पर कार्यशाला। पन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने तनाव मुक्त रहने के लिए जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस बनाए रखने के साथ राजयोग मेडिटेशन की दी विस्तार से जानकारी। मन तो ऐसा है वैसा है नहीं, मन बहुत अच्छा, मन को हमें क्या करना है, मन को सुमन बनना, मन को श्रेष्ठ विचार देना और इसी का नाम है मेडिटेशन। सतना LIC IT ऑफिसर मनोज मिश्रा, ब्रांच मैनेजर चंद्रशेखर त्रिपाठी समेत 100 अधिकारी और कर्मचारियों ने लिया ट्रेनिंग का लाभ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।